हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 30 मार्च 2019 और आज राजस्थान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और राजस्थान दिवस के उपलक्ष में आज 30 मार्च 2019 को मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के हमारे अपने चैनल यूवी कंपटीशंस पर। मेरे प्यारे साथियों, यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जी के, जिसमें राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर और इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स टॉम डॉम सॉम इत्यादि पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एपसेज अनाउंस्ड दैट इट हैज रिकॉर्डेड कार्गो मूवमेंट ऑफ मोर देन 200 मिलियन मैट्रिक टन MMT एट 9 पोर्ट्स अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन पोर्ट ऑपरेटर टू अचीव द माइलस्टोन। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने घोषणा की है कि उसने पूर्व और पश्चिम तटों के साथ 9 बंदरगाहों पर 200 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक की कार्गो आवाजाही दर्ज की है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह ऑपरेटर बन गया है। नेक्स्ट, तासी गैंग ए हिमाचल प्रदेश विलेज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,256 फीट हैज नाउ बिकम द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड। सिचुएटेड अबाउट 29 किलोमीटर फ्रॉम द इंडिया चाइना बॉर्डर, द पोलिंग स्टेशन कवर्स 2 विलेजेज तासीगैंग एंड गेट। 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमाचल प्रदेश का गांव तासिंग अब दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है। भारत चीन सीमा से लगभग 29 किलोमीटर दूर स्थित मतदान केंद्र में 2 गांव तासिंग और गेट शामिल है। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अवार्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टू 5 वेराइटीज ऑफ इंडियन कॉफी। दे आर कुर्ग अरेबिया कॉफी, सेकेंड बाबा बुदानगिरीज अरबियाज कॉफी अरबिका कॉफी, चिकमैगुलर अरबिका कॉफी, अराकू वैली अरबिका कॉफी, बाबा बुदन ग्रीज अरबिका कॉफी। आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय कॉफी की 5 किस्मों को भौगोलिक संकेत से सम्मानित किया है। उनमें से है, पहली है कुर्ग अरेबिका कॉफी, दूसरी है बाबू बुदानगिरीस अरेबिका कॉफी, तीसरी है चिकम गुलूर अरेबिका कॉफी, चौथी है अरकू वैली अरेबिका कॉफी और पांचवी है बाबू बुदानगिरीस अरेबिका कॉफी। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग हैज अनमोनियसली पास्ट द फर्स्ट इवर रिजोल्यूशन ऑर्डरिंग मेंबर्स टू एनफोर्स लॉज अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से सदस्यों को आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ कानूनों को लागू करने का आदेश देने वाला पहला प्रस्ताव पारित किया है। आइए बात करते हैं बैंकिंग और बिजनेस न्यूज, बैंकिंग और व्यापार समाचारों की। स्टेट ओन्ड लैंडर पंजाब नेशनल बैंक हैड सोल्ड स्टेक इन इट्स हाउसिंग फाइनेंस आर्म PNB हाउसिंग फाइनेंस टू जनरल अटलांटिक ग्रुप एंड वर्दे पार्टनर्स फॉर 1,851 करोड़ रुपीज एट 850 पर रुपीज पर शेयर। राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता पंजाब नेशनल बैंक ने अपने हाउसिंग फाइनेंस साथी PNB हाउसिंग फाइनेंस में जनरल अटलांटिक ग्रुप और वनडे पार्ट्स को 850 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1,851 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बेची है। नेक्स्ट, विप्रो लिमिटेड बैंगलोर बेस्ड ए लीडिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज कंपनी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर IIT खड़गपुर साइंड एन MOU
टू कोलेबरेट ऑन हाई इम्पैक्ट इंडस्ट्री फोकस्ड अप्लाइड रिसर्च इन द एरियाज ऑफ 5G एंड AI। एक प्रमुख वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श और व्यापार प्रक्रिया सेवा कंपनी तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर IIT खड़गपुर विप्रो लिमिटेड बेंगलुरु बेस्ड ने 5G तथा AI क्षेत्रों में उच्च प्रभाव उद्योग केंद्रित अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन विल बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस बोर्डली मेडल, द हाइएस्ट ऑनर ग्रांटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड फेमस बोर्डलियन लाइब्रेरीज। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व प्रसिद्ध बोर्डलियन लाइब्रेरी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान बोर्डले मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, थ्री पायनियर्स नियर्स इन AI यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो फैसिलिटी मेंबर एंड गूगल ब्रेन रिसर्चर जियोफ्री हिंटन, फेसबुक चीफ AI साइंटिस्ट एंड NYU प्रोफेसर यान ली कन एंड एलिमेंट AI फाउंडर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोफेसर योशुआ बेंगियो हैज बीन ऑनर्ड विद द ट्यूरिंग अवार्ड। AI में तीन अग्रदूत टोरंटो विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य और गूगल ब्रेन शोधकर्ता जेफ्री हिंटन, फेसबुक के प्रमुख AI वैज्ञानिक और NYU के प्रोफेसर यान लेकन और एलिमेंट AI के संस्थापक और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल के प्रोफेसर योशुआ बेंगियो को ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं ऑप्टोरिज निधन और लास्ट समाचार की। रशियन कॉस्म्यूनेंट वैली बाई कोवेसी, हु मेड द फर्स्ट ऑफ हिज थ्री फ्लाइट्स टू स्पेस इन 1963, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84 ईयर्स। इन जून 1963 ही फर्स्ट फ्लू टू स्पेस एज ए मेंबर ऑफ द वोस्टॉक 5 क्रू। He was a recipient of the Hero of the Soviet Union and Order of Lenin Awards. 1963 में अंतरिक्ष में अपनी तीन उड़ानों में से पहली को पूर्ण करने वाले रूसी कॉस्मोनॉट वालेरी बेकोवस्की का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जून 1963 में उन्होंने पहली बार वोस्तोक 5 चालक दल के एक सदस्य के रूप में अंतरिक्ष में उड़ान भरी। वह हीरो ऑफ सोवियत यूनियन और ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार से प्राप्त करता थे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और साथ ही साथ सभी मेरे प्यारे साथियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।